नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ बेहद दुखद घटना लेकर सामने आया। जो आप लोगों को बता दूं कि सीधी जिले के अंतर्गत भाटा ग्रामीण क्षेत्र में जहां देखा यह गया कि एक 12वीं के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उसके परिजन घर में ना होने की वजह से वो खुद खेत में जा करके करंट फंसा रहा था, जहां देखा यह गया कि जमीन में करंट उतरने की वजह से उसको बड़ा झटका लगा और जमीन में गिरने की वजह से उसके पेट पर और सीने पर देखा यह गया कि करंट के काफी झटके लगने से जल चुका था, जहां उसकी झटकों की वजह से मौत हो गई। बड़ी बात यह है जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आजकल के जो युवक हैं उनको कुछ इन सब चीजों का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी इस तरीके से वारदात होने पर ऐसे ही कुछ हादसे हो जाते हैं जहां देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पुलिस ने इसका मर्ग कायम कर लिया और मर्ग कायम करने के बाद पीएम के लिए बॉडी को पीएम हाउस लाया और पीएम करवाने के बाद बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरुण 24 न्यूज, सुनिए परिजनों का बयान। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। उनकर ओम प्रकाश गुप्ता, कहाँ की घटना है? ये भाटा का। कैसे हुई मृत्यु? मृत्यु करंट से हुआ सर जी। कहाँ पर, कहाँ, कैसे करंट था? करंट उस घर से बाहर गए, मैदान गए, मैदान से आए तो सोचिन कि अभी है फंसा देते अपन बा मातारी रीवा दवाई करावे गए रहे हैं, और वहाँ से आए तो फंसावे सोचिन कि फंसा दी हम पंचे हम नहीं रहन सबके घरे घरे रहे। घरेलू प्रकाश की लाइट थी, प्रकाश की नहीं, पंप की है। तो वो जब फंसा दिन कि हम चले जाए तो नदी के तीरे वहीं दुर्घटना हो गई। क्या उम्र थी उनकी? 18 साल का सर जी। स्कूल में बरामी पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाते रहे, आज पेपर रहा सब लड़का। मृतक आपके कौन है? उनके नाती भतीजे। अमान नातिया ही, नातिया। हाँ, हमारा भोला प्रसाद गुप्ता नाम है। कितने बजे घटना है? 6 बजे का। आज सुबह की? सुबह का, आज 6 बजे का। आज सर अब घर से बाहर, अब घर में सब के रहे हैं। दौड़त भरे में खत्म, दौड़त भरे में खत्म है। किस गांव की? भाटा, ग्राम पंचायत भाटा की है सर। थाना कौन सा? सीधी। अब क्या कही सर जी,